सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस में उनको अनफिट से एकदम ग्रीक गॉड बनते हुए देख के मोटिवेशन तो बहुत आ गई आपको, लेकिन खुद की फिटनेस का कोई अता पता नहीं है। फिटनेस पे ज्ञान तो आपने बहुत सुन लिया, लेकिन पता नहीं खुद कहाँ स्टार्ट करें, क्योंकि ओवरवेल्म हो गए हो आप इतनी चीजें जान के। आज की वीडियो में मैं सैन कालरा आपको बताऊंगा कि आप फिजिकली फिट कैसे हो सकते हो सबसे लॉजिकल तरीके से, बिना फिटनेस के ऊपर ऑब्सेस करे। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि यार फिटनेस का ट्रू मीनिंग क्या है। फिटनेस का मतलब सिक्स पैक एब्स निकालना नहीं है, बल्कि काफी केसेस में एब्स होना अनफिट भी हो सकता है। मेरे हिसाब से फिटनेस एक लाइफस्टाइल है। फिजिकली फिट का मतलब है कि आपके लाइफ के जितने भी फिजिकली फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत इजी और फन हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो आपकी सांस नहीं फूल रही, या फिर आप घर में सामान शिफ्ट कर पा रहे हो बहुत आसानी से। फिटनेस का इससे कोई मतलब नहीं है कि आप ट्रेडमिल पे कितनी देर भागे, वो तो एक तरीका है आपकी फिटनेस अच्छी करने का। देखो, फिजिकल फिटनेस को मेजर करने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये फैक्टर्स सारे एक दूसरे से थोड़े बहुत कुछ हद तक इंडिपेंडेंट होते हैं। इन फैक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट वाले मेरे हिसाब से होते हैं स्ट्रेंथ, जिसका रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि मम्मी ने आपको बोला कि भाई हेल्प कर बिस्तर खिसकाने के लिए, तो आप उसको अच्छे से अपनी शोल्डर स्ट्रेंथ यूज करके खिसका पा रहे हो या नहीं खिसका पा रहे, या फिर मम्मी ने बोला कि नीचे से सिलेंडर ले आ, तो आप आराम से उठा के ऊपर लेके जा पा रहे हो या नहीं। दूसरा फैक्टर है एस्थेटिक्स। अब मुझे पता है एक सबसे बड़े यूट्यूबर ने बोला हुआ है कि फिटनेस का मतलब ये है कि सामने वाला आपको आके बोले कि या ब्रो यू लुक फिट, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है उसका। लेकिन एस्थेटिक्स तब भी मैटर करते हैं क्योंकि एस्थेटिक्स एक प्रोडक्ट है आपके फिट होने का। आप जितने ज्यादा फिट होगे उतने ज्यादा अच्छे दिखोगे, और जितने ज्यादा अच्छे दिखोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, क्योंकि हम रहते तो एक सोसाइटी में ही है ना। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ कि ये बहुत शैलो चीज है, लेकिन रियलिटी फेस करो मेरे भाई। जब आप फिट हो गए तो ऑब्वियसली आपकी मसल्स वसल्स बेटर दिखेंगी, आपकी बॉडी शेप बेटर दिखेगी, आपके ऊपर कपड़े बेटर फिट आएंगे, और बल्कि आपको टेलर से फिटिंग वगैरह नहीं करवानी पड़ेगी, डायरेक्ट खरीदे हुए कपड़े आपको अच्छे से फिट हो रहे होंगे, आपके पैसे भी बचेंगे। एनीवे, नेक्स्ट फैक्टर फिजिकल फिटनेस का है एजिलिटी। एजिलिटी का सिंपल मतलब बताऊं तो आप में कितनी फुर्ती है कि आप सीढ़ियां कितनी तेज चढ़ गए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हो, या फिर आप रोड पे चल रहे हो और कोई बेवकूफ गाड़ी चलाने वाला सामने से एकदम सारे आपके एकदम पास से निकलने वाला है, तो क्या आपकी बॉडी के अंदर इतनी एजिलिटी आप एकदम से साइड हो जाओ और आप उससे बच जाओ। मतलब बहुत रेयर सिनेरियो है, बट मैं आपको बस ये फैक्टर की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं। नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल फिटनेस का एंड्योरेंस। एंड्योरेंस से मतलब मैं कहना चाहता हूं स्टैमिना कितना है आप में। अब इससे डिसाइड होगा कि आप कितने टाइम तक कुछ रिगरस टास्क कर सकते हो। जैसे मान लो होली वाले दिन आप होली वोली खेल रहे हो, उसमें बहुत एक्सरसाइज हो रही है कार्डियो टाइप की, उसके बाद अगर आप एकदम थक गए तो आप आगे की होली एंजॉय कर पाओगे? या भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सेक्स कर रहे हो ब्रो, उस टाइम पे अगर आप जल्दी थक गए तो आपका भी एक्सपीरियंस खराब, सामने वाले का भी खराब। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाले के लिए ही आप लंबा लास्ट करो फलाना ढिमकाना, वो अलग वीडियो की एनीवे बात है, लेकिन ब्रो आप अपना एक्सपीरियंस भी तो अच्छा करना चाहते हो, वो जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा मजे आएंगे, ट्रस्ट मी। एनीवे, नेक्स्ट फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी। टेबल के नीचे आपका कोई सामान गिर गया तो आप कितनी आसानी से उसके नीचे मुड़ मुड़ के सामान निकाल पा रहे हो। अभी टेबल के नीचे घुस के सामान निकालने वाली चीजों पे कोई स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर वाले कमेंट्स नहीं करेगा। बड़ा हरामी हो। अब ये है सारे मेन फैक्टर्स, और भी होंगे छोटे मोटे फैक्टर्स, बट इन पे अगर आप फोकस करोगे तो मैक्सिमम लाइफ ग्रेट। और मेरे हिसाब से आपको अपनी लाइफ की फिजिकल फिटनेस की गोल्स जो सेट करने हैं ना, वो इन्हीं फैक्टर्स के हिसाब से करने हैं। अब इसके अलावा फिटनेस मेजर करने के लिए तो साइंटिस्ट्स ने बहुत सारी मेट्रिक्स निकाली हुई हैं, जैसे एक BMI होता है, तो वो बॉडी मास इंडेक्स तो आप अपने बॉडी वेट और अपनी हाइट से भी निकाल सकते हो, बट वो बस एक जरिया है ये मेजर करने का कि आप कितने फिट हो, और आप अपनी जर्नी अगर सही सेट करोगे फिटनेस की तो आप किस गोल पे पहुंचोगे। अब आपको फिट क्यों होना चाहिए ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्मार्ट इनफ हो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको पता है कि फिट होने के कितने बेनिफिट्स हैं। लेकिन आपको ढूंढना है आपका वाय, आप स्पेसिफिकली क्यों फिट होना चाहते हो, और वो वाय आपके अंदर की आवाज से लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर रीजन रहेगा तो आप उसकी तरफ बढ़ते रहोगे, और ये रीजन चेंज भी हो सकता है विद टाइम। और आपका एक और वाय बताता हूं मैं, अगर आप लाइफ में इंप्रूव करना चाहते हो और ये आपका वाय है, तो पक्का से सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्योंकि आपको मैं इंप्रूव करके छोड़ूंगा एक बार आपने सब्सक्राइब कर दिया तो। अब आते हैं कि फिट होना कैसे। देखो, मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हूं और मैं लाइफ बहुत एफिशिएंट तरीके से जीता हूं, इसलिए मैं यहां पे पेरीटो प्रिंसिपल लगाऊंगा। पेरीटो प्रिंसिपल ये कहता है कि ऐसे कौन से 20% टास्क हैं जिससे कि 80% रिजल्ट आ जाए। अगर आप फिटनेस में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपको फिटनेस में बहुत डीप जाने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन गिने चुने कामों से आप बहुत अच्छे लेवल के फिट हो सकते हो, मान लो 8/10 लेवल के फिट हो सकते हो, वो बहुत आसान से गिने चुने काम। सबसे पहला है रेगुलर एक्सरसाइज, और उनका भी बहुत प्राइमरी सा फॉर्म जो कि इनफ है बिगिनर्स के लिए। उसमें सबसे पहली चीज आती है
एक्टिव कार्डियो करनी है आपको डेली। अब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए एरोबिक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इससे आपके हार्ट की हेल्थ, आपके लंग्स की हेल्थ सब सही रहती है। उसका एक अच्छा तरीका जो कि मेरा फेवरेट है वो है 10,000 स्टेप्स आपको चलने ही है दिन में। यार वॉकिंग बहुत ज्यादा अंडररेटेड चीज है क्योंकि वॉकिंग आपके अंदर एंड्योरेंस और एजिलिटी डालती है। एंड वॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि कार पे बहुत दूर गए और फिर वहां वॉक करा, आप आसपास भी तो कर सकते हो। और अगर आपको वॉकिंग बोरिंग लगती है तो साथ में आप कोई काम की कॉल्स ले सकते हो, मैं तो यही करता था नौकरी जब मैं करता था, या फिर आप हमारे पॉडकास्ट सुन सकते हो। अब वॉकिंग के अलावा आप जॉगिंग या रनिंग भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको तभी करनी चाहिए जब आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट है उन चीजों में, क्योंकि वैसे भी अगर आपकी बॉडी में इनफ फ्यूल नहीं है, आपकी कैलोरीज, आपके कार्ब्स सब सही बैलेंस में नहीं है, तो आप एक्चुअल में अपना मसल मास किल कर रहे होगे, अपनी बॉडी की मसल किल कर रहे होगे जॉगिंग या रनिंग करके, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एटलीस्ट 4 times a week। अब आप किसी भी टाइप की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो आपको पसंद है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ ऐड होती है आपकी बॉडी में, एंड्योरेंस ऐड होती है और काफी हद तक एस्थेटिक्स भी ऐड होते हैं। अब मेरा पर्सनल फेवरेट एंड बहुत लड़कों का फेवरेट है जिम, क्योंकि सबसे एफिशिएंट तरीका एस्थेटिक मसल लाने का बॉडी पे जिम ही है, या फिर जिन लोगों को वेट्स उठाने का बहुत शौक है, पावर लिफ्टिंग कोई हॉबी है उनकी, उनके लिए भी जिम बहुत बढ़िया है। और ऐसी बहुत रिगरस टाइप की स्पोर्ट्स भी होती हैं जो कि आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करेंगी, जैसे कि स्विमिंग, जैसे कि लॉन टेनिस। अब मैं यहाँ पे टेबल टेनिस, पूल, इन सब की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, माना ही ओलंपिक्स में होते हैं, लेकिन जब आप जनरल इंसान कोई खेलता है टीटी या पूल वगैरह, तो उसके लिए वो उतना रिगरस वर्कआउट है नहीं, तो मैं उसको यहाँ नहीं गिन सकता। अब ऐसे अगर आपको कैलिस्थेनिक्स पसंद है या फिर कुछ भी और रिगरस ट्रेनिंग पसंद है तो वो आप कर सकते हो। Find your favorite. Next type की exercise जो आपको करनी है वो है एक योगा रूटीन आपको डेली का रखना है। अब योगा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसे बैठो, ओम के गाने चला के बॉडी, ये सब नहीं करना है। योगा से मेरा मतलब है बेसिक स्ट्रेचिंग करनी है आपको। इससे एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी तो बहुत ऐड होगी ही, साथ में आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। एंड इट इज अ ग्रेट वे टू गेट ब्लड फ्लोइंग इन योर बॉडी। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे को 2019 में एक बैक इंजरी हुई थी जो कि बहुत टाइम तक 2022 तक एक्चुअली रिकवर नहीं हुई थी, क्योंकि मैं ना फिजियोथेरेपी करवाई, ना योगा किया और मैंने वापस जिम भी ज्वाइन किया। लेकिन जिम से पहले 20 मिनट्स का एक स्ट्रिक्ट स्ट्रेचिंग रूटीन रखता था मैं, स्ट्रिक्ट वो करना ही करना है मतलब, और वो बिल्कुल योगा स्टाइल होता था। उसकी वजह से ही, इकलौती वही एक रीजन है जिसकी वजह से मेरी बैक सही हुई है। अब ये तीनों टाइप की एक्सरसाइज तो मैंने आपको बता दी, लेकिन सबसे बड़ा इशू ही क्या है, वो है कंसिस्टेंट रहना। ये एक्सरसाइजेस आपकी लाइफ का पार्ट होने ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या चल रहा है लाइफ में। आप ये समझो कि चलो ठीक है, कुछ लोग कहेंगे जिम जाने में बड़ा मजा आता है, टेनिस खेलने में मजा आ रहा है वगैरह, बट ये चीजें प्राइमरीली आपकी एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, और ना ही आपको मोटिवेट या डीमोटिवेट होना है कोई रिजल्ट्स देख के। ये तो ऐसी चीजें हैं जो करनी है। अब फॉर एग्जांपल, आप हो सकता है जॉब कर रहे हो, आप हो सकता है फ्रीलांस कर रहे हो, आप हो सकता है कॉलेज कर रहे हो, आप हो सकता है जो कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना अपने करियर के लिए। जब उठते हो तो आपको लाइफ का एक पर्पस लगता है, या फिर आप पर्पस ढूंढ रहे हो, वो या जो भी है, पर्पस भी अगर ढूंढ रहे हो तो अपने करियर साइड के लिए कुछ कर रहे हो ना, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना, चाहे उसके बारे में सोच भी रहे हो। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ आपको करना है अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, और ये करना ही है। दिस इज लाइफ, ये अलग से नहीं बताने की चीज कोई। आप समझो कि ये आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए क्या करने वाला है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो जब रिजल्ट्स देखेंगे तब इस चीज में बिलीव करेंगे कि भाई हाँ कंसिस्टेंसी इज की, हम अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो अच्छी हेल्थ होएगी। भाई आपको रिजल्ट्स देख के इस चीज में बिलीव नहीं करना है, पहले आपको बिलीव करना है, फिर रिजल्ट्स दिखेंगे। अब एक्सरसाइजेस के बाद नेक्स्ट आते हैं फूड इनटेक पे। भाई इतने लोग इसके बारे में इतना सोचने लग जाते हैं ना कि क्या खाएं क्या ना खाएं वगैरह। भाई आपको स्टार्टिंग में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक डाइट प्लान उठा लो कोई भी इंटरनेट से उठा के, और वो खाना शुरू कर दो। कीप इंप्रूविंग विद टाइम। बेसिक से फंडे बता देता हूं, अपना इंटरनेट पे जाके BMI बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर लो। वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका BMI सही रेंज में लाने के लिए आपका वेट कितना होना चाहिए। जब एक बार आपको वो वेट समझ आ जाएगा तब आप उसको अपना गोल वेट बना लो कि ये मेरा यही गोल है मेरा। अब नेक्स्ट अपनी डाइट के लिए अपना प्रोटीन इनटेक 2 times दैट बॉडी वेट करो, मतलब समझ लो कि आपका BMI जो आया है उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए अच्छी हेल्दी रेंज में 75। तो 75 के हिसाब से 75 kg, तो 75 kg के हिसाब से आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट होना चाहिए डबल ऑफ दैट, तो मतलब 150 लेकिन ग्राम्स में। तो 150 grams आपका गोल प्रोटीन है। अभी 150 से ज्यादा मत लेना, लेकिन अगर 130-135 भी होता है तो भी चलेगा। फिर आप कैलकुलेट करो कि ये 150 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपको क्या क्या खाना पड़ेगा। और इसमें भी मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है यार, गूगल पे जाके टाइप करो कि प्रोटीन रिच फूड वेज, प्रोटीन रिच फूड नॉन वेज, बेसिस आप क्या खाते हो। फिर कैलकुलेट करो कि 150 ग्राम प्रोटीन के लिए मुझे पनीर इतने ग्राम खाना है, फिर 150 ग्राम प्रोटीन के लिए
मुझे चिकन करी इतने ग्राम खानी है। तो फिर जितने ग्राम आपको पनीर या चिकन करी या जो भी खाना होगा, देखो उतने ग्राम में कैलोरीज कितनी होती है। मान लो 150 ग्राम पनीर या चिकन जो भी है उसमें मान लो 1000 कैलोरी है, मतलब ये बिल्कुल रैंडम नंबर्स बोल रहा हूँ सिर्फ आपको बेसिक मैथ सिखाने के लिए। फिर वो जो आपकी कैलोरीज आएंगी उसमें से आप वो जो हमने 1500 निकाली थी प्रोटीन वाली वो माइनस कर दो, और बची हुई कैलोरीज में आप जो कार्ब्स जो फैट्स खाना चाहते हो वो खा लो। मैं कहूंगा कि हेल्दी वाले ही खाना, मतलब रोटी चावल इन सबसे कंप्लीट करना, कोई गंदी पूड़ी वूड़ी मत खाना शुरू कर देना। देखो सिंपल सी बात यह है कि गेम पूरा प्रोटीन और कैलोरीज का है मेरे भाई, और जब तक आप प्रोटीन ले रहे हो आप मसल बिल्ड करते रहोगे, जब तक आप कैलोरीज सही वाली ले रहे हो सही अमाउंट ले रहे हो तब तक आपका वेट मेंटेन होगा। अब बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं कि कौन सी चीज से आपका पेट खराब होता है, कौन सी चीज आपको एलर्जी होती है, कौन सी चीज ऐसे बेटर है वैसे बेटर, वो सब तो आप अपने लिए कस्टमाइज कर लोगे, लेकिन मेरा पूरा पॉइंट है कि कहीं स्टार्ट तो करो। अब जो मैंने भी आपको अभी डाइट प्लान बताया है वो बहुत बेसिक चीज है। बहुत सारे ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होंगे जो कि कहेंगे कि नहीं ये गलत है ये ऐसे वैसे है। ब्रो इट इज नॉट अबाउट गलत या सही, दिस इज अ बेसिक प्लान टू स्टार्ट विद। आप स्टार्ट तो करो, आप धीरे धीरे सीख जाओगे कैसे कैसे आपको अपने लिए कस्टमाइज डाइट बनानी है, और ऊपर से आपको अपनी लाइफ का फन भी एकदम जीरो करने की जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही एकदम ऐसे कहते हैं बॉइल्ड चिकन जब तक नहीं खाएंगे हमारी बॉडी नहीं बनेगी, और ये सच है उन लोगों के लिए जो कंपीट कर रहे होते हैं। हम नॉर्मल ऐसे डेली वाले लोग हैं, हमें ये सब बॉइल्ड चिकन खाने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली अगर आप एक फूडी हो, आपको खाने का टेस्ट बड़ा मजेदार लगता है, तो आप अपनी लाइफ की खुशियां थोड़ी ना छोड़ दोगे। तो उसके लिए भी सिंपल सा रूल ये है कि अपने दिन की 80% कैलोरीज आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट वाली रखो और 20% कैलोरीज में फन कर लो। अब जैसे मैंने आपको बताया एक बार आपका प्रोटीन कंप्लीट हो चुका है दिन का, तो बाकी की बची हुई कैलोरीज पूरी करने के लिए आप चिप्स भी खा सकते हो कभी कभी, क्योंकि चिप्स वैसे भी आपके अंदर के स्टमक लाइनिंग वगैरह के लिए भी अच्छे नहीं होते और नुकसान होते हैं। लेकिन सिर्फ वेट गेन या वेट लॉस की बात करूं तो आप बची हुई कैलोरीज में कभी चिप्स खा सकते हो, कभी आइसक्रीम खा सकते हो, रोज रोज नहीं लेकिन कभी कभी तो कर ही सकते हो। लेकिन जो वो 80% कैलोरीज आपको अच्छे खाने से लेनी है, उसका सिस्टम फेल ना हो, कि आप कभी उसको ऐसा ना सोचो कि बस अब और नहीं करना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, और ये हैक मैं यूज करता हूं पिछले 2 साल से, रोज सेम खाना खाने की कोशिश करो। खाने का डिसीजन लो ही मत, सेम चीज खाओ रोज। कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो आप इसके क्लोजेस्ट पॉसिबल जो भी आप सिस्टम लगा सकते हो अपनी लाइफ में वो लगाओ। और हाँ, किसी दिन अगर आप कोई चीट मील भी लेते हो कि हाँ यार आज चलता है मस्ती वस्ती मारेंगे, तो आप ले सकते हो, हफ्ते में 1-2 चीट मील तो आप ले ही सकते हो, लेकिन फिर याद रखना उसमें प्रोटीन अच्छा खासा होना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको जंक फूड तो अवॉइड ही करना चाहिए, मैगी वैगी टाइप की चीजें तो मत खाओ यार। देखो मैगी जब तक बनती है और जब तक पहली बाइट लेते हो सिर्फ तब तक ही मजे आते हैं, दूसरी बाइट से कोई मजे नहीं आते। एटलीस्ट मेरी इतनी बात तो मान जाओ कि घर पे कभी मत रखो, और अगर आपकी मम्मी रखती है तो उनको बोलो कि प्लीज मत रखो ये घर पे। जैसे मेरी मम्मी नहीं मानी थी इससे भी, मेरे मैं बोलता रहता था मत रखो ये सब गंदी चीजें घर पे, वो नहीं मानी बिल्कुल भी। तो मैंने एक दिन जाके मैगी ली और उनके सामने जाके तोड़ के डस्टबिन में फेंक दी। उस दिन हमारी लड़ाई हुई, और वो लड़ाई हुई माना मेरी लड़ाई हुई, लेकिन उस लड़ाई के बाद से उन्होंने कभी मैगी नहीं रखी। एनीवे, ये तो हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करी, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स वगैरह की, मेन कैलोरीज वगैरह जो ऊपर ऊपर की चीजें हैं, लेकिन आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं भूलने हैं बिल्कुल भी। अब मैं यहाँ पे आपको ज्ञान नहीं दूंगा विटामिन मिनरल ये फलाना ढिमकाना, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि अपनी वेजिटेबल्स खाओ फ्रूट्स खाओ, साथ में उससे अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, काफी लोगों की नहीं हो पाती आजकल की फास्ट पेस लाइफ में, तो आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स वगैरह भी ले सकते हो। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत सारी आपको मल्टीविटामिन टैबलेट्स बताई हुई है, बढ़िया चलती है वो। नेक्स्ट चीज जिससे आपकी फिजिकल फिटनेस सही होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्लीप। स्लीप यानी सोने के बिना आपकी मसल्स रिकवर नहीं हो सकती, आपके बॉडी के जो अंदर के फंक्शंस हैं वो भी सारे डिसरप्ट हो जाएंगे, एंड आपको अंदर से एक अनफिट होने वाली फीलिंग भी आएगी। मैं आपको बताऊं, बहुत पहले मेरे को ऐसा लगता था कि यार काम 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 करना है तो सिर्फ 5.5 घंटे सोया करूंगा, तो 5.5 घंटे सोना शुरू किया, काम ज्यादा होने लगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद मैं हर चीज खराब करने लग गया। क्वालिटी ऑफ वर्क खराब हो गई, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स खराब हो गई, फिजिकल फिटनेस खराब हो गई, वीक लगता था, जिम जाने के बाद भी मसल पुट ऑन नहीं होता था। ब्रो ट्रस्ट मी, 7 आवर्स तो सोना ही है आपको। चलो ठीक है, कभी एग्जाम्स आ गए तो तब स्लीप इधर उधर चलती है कि आप सिर्फ 3 घंटे सोए, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस आपको 7 आवर्स सोना ही है। ट्रस्ट मी, ये दुनिया का सबसे बड़ा हैक है हर चीज, लाइफ की हर चीज इंप्रूव करने का, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सब कुछ, मतलब सब कुछ। और मुझे पता है कि आजकल के जमाने में एक्सटर्नल फैक्टर से भी इंटरनल फैक्टर से भी, स्पेशली लड़कों के बारे में मुझे ये चीज ज्यादा पता है कि नींद नहीं आती, नींद अच्छी नहीं आती, कच्ची आती है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप चाहते हो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं इस चीज़ के ऊपर तो कमेंट्स में जरूर डाल देना, मैं बना दूंगा। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि मैं अब 8 घंटे सोता हूं। आप सोच रहे हो इतना काम करता हूं और साथ में 8 घंटे भी सोता हूं। मैं नींद को तो कभी मैं खराब करता ही। एंड आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प मिली आपकी फिजिकल फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। आप हमारे और भी फिटनेस वीडियोस देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में। एंड बाय द वे, हमारा एवरी मंथ का 5,000 रुपीज का गिव अवे बहुत सारे लोगों को अभी भी ऑन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।